Okay, so welcome to your PDR platform, Ratnish. Let's start your Yes. snap for structure analysis. For which Yes. organization are you preparing for? Prepare for a PhD. PhD. Yes, sir. ओके सो स्ट्रक्चर के क्वेश्चन रहेंगे तो मे बी कुछ कैलकुलेशंस रहेंगे, तो आप एक पेपर और पेन रख लीजिए अपने साथ, कई बार कुछ ड्रॉ करना रहेगा या कुछ कैलकुलेशन करना रहेगा. So my first question is कि you have a simply supported beam and Yes, over sir. that beam there is a uniformly distributed load. So Yes, sir. can you tell me what will be the value of the maximum deflection in that case? Maximum deflection. Yes. I by 384 WLQ by EI. 5 by 384 W L Q Q. UD WL by WL के पावर 4 by WL के पावर 4 by 384 EI 5 by ओके okay. और इफ अगर मैं फिक्स्ड बीम लेता तो उसमें कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता अंडर यूडीएल? इफ वी प्रोवाइड फिक्स बीम देन 1 by 5 मीन्स डब्ल्यू एल के पावर 4 by 384 ई वन ओके बाई फाइव टाइम्स ओके 1/5 times ऑफ दैट डिफ्लेक्शन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके ठीक यस यस है. अच्छा, एक कैंटिलीवर ड्रॉ करिए अपने पेपर पेपर पे कैंटिलीवर ड्रॉ करिए, लेकिन कैंटिलीवर ऐसा ड्रॉ करिए कि जो फिक्स सपोर्ट है वो अब राइट साइड है और फ्री एंड जो है लेफ्ट साइड पर है. नॉर्मली हम जब ड्रॉ करते हैं कैंटिलीवर, फिक्स सपोर्ट लेफ्ट साइड पर रखते हैं ना, यस सर आप फिलहाल उसको राइट साइड कर दीजिए. कर दिया, यस बना सर लिया. यस अब जो यस मिड मिड पॉइंट है, टोटल लेंथ आप 4 मीटर ले लीजिए, इस कैंटिलीवर की यस टोटल सर लेंथ आप 4 मीटर ले लीजिए, एंड यस देन सर एट द मिड पॉइंट एक पॉइंट लोड लगा लीजिए 20 किलो न्यूटन यस का. सर ठीक है, और 40 किलोन्यूटन 20 20 किलोमीटर मिड पॉइंट पर. 20 किलोन्यूटन ठीक है, यस और एक मोमेंट लगा लीजिए, कपल लगा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा लीजिए सेम पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे 20 किलोन्यूटन मीटर पर, मीटर का मैग्नीट्यूड उसका 20 किलोन्यूटन मीटर. 20 किलो यस सर एक बार मुझे दिखा देंगे क्या बना है, क्या डायग्राम बनाया आपने, ताकि मैं देखूं कि क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं. ठीक है, इसका जो फ्री एंड है उसको पॉइंट ए नाम दे दीजिए और जो फिक्स्ड है उसको बी दे दीजिए. सर तो अब आपको मुझे बताना है कि कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा और शेयर फोर्स आएगा एट पॉइंट ए. पॉइंट कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स एट पॉइंट ए फॉर दिस पर्टिकुलर लोडिंग. पॉइंट सर 0 आना शेयर फॉर 0 आएगा सर और बेंडिंग और बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज ये भी 0 होगा सर अच्छा 0 आ रहा है, 0 आ रहा है आपका वैल्यू, योर आंसर 0, बोथ यस सर बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स विल बी 0 एट दिस पॉइंट. यस सर रिएक्शन कितना है कैंटिलीवर पे, रिएक्शन कितना है फिक्स्ड सपोर्ट पे, निकाले आपने रिएक्शन? ये रिएक्शन और ओके
फाइव सर, क्वेश्चन फाइव आ रहे हैं। यस सर, फाइव सर, मोमेंट टोटल वर्टिकल फोर्स में 20 किलोन्यूटन ही आना चाहिए सर। 20 किलोन्यूटन आ रहा है रिएक्शन आपका। यस सर, तो फिक्स्ड एंड सपोर्ट पे तो और भी रिएक्शंस आएंगे ना। आप सर मुझे वर्टिकल रिएक्शन बता रहे हैं, मोमेंट रिएक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की क्या वैल्यू है, वो भी बताइए। देखने जा रहे हैं आपने जो एक्शन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0 बोला, वो किस बेसिस पे बोला? रिएक्शन अगर आपने नहीं निकाले तो फिर कौन सा आपने वो किया, कैसे फाइंड आउट किया? सर फिक्स एंड फॉर ठीक है, दैट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गुड। बाकी आप रिएक्शन निकाल के भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो जीरो ही आएगा। शेयर फोर्स एट प्री एंड एंड बेंडिंग मोमेंट, सॉरी व्हाट वी वांट टू फाइंड, हाँ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वी वांट टू फाइंड इट आउट, फाइंड आउट एट प्री एंड ना, वो जीरो ही होगा, ठीक है। दैट एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गुड कि एट फ्री एंड सिंस देर इज नो रिस्ट्रेंट टू द मोमेंट, इट इज फ्री टू मूव, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक बाय फाइंडिंग द रिएक्शंस। अच्छा, सपोज वी हैव टू प्रिपेयर द आईएलडी डायग्राम, वी हैव बीन गिवन एंड वी वांट टू प्रिपेयर आईएलडी डायग्राम फॉर रिएक्शन और शेयर फोर्स फॉर बेंडिंग मोमेंट, मे बी एनी केस, व्हिच प्रिंसिपल डू वी यूज टू prepare the ILD diagram easily? Moore-Breslow principle. Achha. So according to this principle, how can I create an the bending moment diagram at a point in a beam, in a simply supported beam, let's say? अगर मुझे simply supported beam है, कोई AB beam है मेरा simply supported, और उसका कोई point है, C point है, if I want to create the ILD for bending moment at section C, then what is the process that I have to follow? कैसे बनाएंगे? Sir, in this process, at that point, we provide unit rotation. Okay. Yes. तो unit rotation से क्या होगा? कैसे shape बनेगी? अब बनाइए, मतलब आप एक simply supported beam draw करिए A to B. Yes, sir. और किसी भी एक पॉइंट पे, कोई सी पॉइंट मान लीजिए कहीं भी सेंटर में या कहीं भी एट एनी लोकेशन, एंड इसके लिए मुझे आप बना के दिखाइए आईएलडी डायग्राम फॉर बीएम बी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सी पे ऑर्डिनेट निकालेंगे। एस ऑर्डिनेट इक्वल टू ए बी बाय एल, ए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू सी एंड बी डिस्टेंस बाय पॉइंट बी टू सी, मींस वी टेक डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए टू सी, देन एक्स इनटू एल माइनस एक्स बाय एल। आवाज आ रही रत्नेश? यस सर, यस। आवाज आ रही है रत्नेश? यस सर, यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा था ऑर्डिनेट बना लिया उसका, क्या ऑर्डिनेट आया? सर ऑर्डिनेट आएगा एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाई एल। वी अज्यूम दैट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम A to C, then L minus X distance from B to C by L. ये जो ऑर्डिनेट आपका आया है, इसका यूनिट क्या होगा?
जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऑर्डिनेट का यूनिट होता है किलो न्यूटन मीटर, शेयर फोर्स डायग्राम की ऑर्डिनेट का यूनिट होता है किलो न्यूटन, एक्सियल फोर्स डायग्राम की ऑर्डिनेट का यूनिट भी किलो न्यूटन ही होता है। ये जो डायग्राम आपने बनाया है डी, इसके ऑर्डिनेट का यूनिट क्या होगा? According to value sir, coordinate का unit meter होना चाहिए, L into L by L means L. I don't clearly but according to this meter. आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये तो चलो इसमें आ रहा है, आपको क्या लगता है coordinate होना चाहिए, क्या unit होना चाहिए? बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट किलोन्यूटन पर किलोन्यूटन मीटर होना चाहिए, मैंने फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है चलो उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है आपको ना मुझे फिक्स आवाज आ रही? Yes sir. Hello. Hello. Yes sir. Yes sir. Hello. Hello. आवाज आ रही मेरी? मैं क्या पूछा है क्वेश्चन लगा पता? No sir. मैं ये कह रहा हूँ आपके पास एक फिक्स्ड बीम है। Yes sir. And you have to tell me the fixed end moment, ki what moment will develop on the ends, different cases bataunga. Yes sir. Agar fixed beam ke center pe point load laga hai, then what will be the fixed end moment value? WL by 8. UDL laga hai. And WL square by 12. Triangular loading. Triangular loading. ट्रायंगुलर लोडिंग WL by 20 एंड WL by 30, WL by 30 दो जेंट वेयर लोड इज मैक्सिमम एंड WL by 20 दो पॉइंट वेयर लोड इज जीरो। पहली बात तो WL स्क्वायर आएगा, WL नहीं आ सकता। यस सर, यस सर, WL स्क्वायर बाय 20 एंड WL स्क्वायर 20 वहां पर आएगा, WL स्क्वायर बाय 20 वहां पर आएगा जहां लोड मैक्सिमम है। यस सर, वहां मोमेंट ज्यादा है। हां हां, यस यस सर, ओके। अच्छा अब आपको बताना है अगर मोमेंट लगा है, सपोज सेंटर पे मोमेंट लगा हुआ है तब कितना फिक्स्ड मोमेंट आएगा? तो फिक्स बीम के सेंटर पे मोमेंट लगा हुआ है, कपल लगा हुआ है, तब कितना फिक्स्ड मोमेंट डेवलप होगा? फिक्स इन मोमेंट, मोमेंट लगा हुआ, मोमेंट लगा हुआ एम 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 वैल्यू का, कपल लगा हुआ। यस, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी सॉल्व करने में तो शायद टाइम लग जाएगा। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद है? एक टोटल मोमेंट एम बाय टू, एम बाय टू आना है अप्रोक्स। नो सर, आई नो आइडिया। ठीक है, M by 4 होता है जैसे सेंटर पे अगर लगा होगा, अगर आप चेक कर लेना, I think M by 4 होता है। Yes sir. अच्छा अगर एक एंड जो है वो सिंक कर जाए फिक्स्ड एंड बीम में, तो दूसरे एंड के ऊपर कितना वो आएगा, फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा, कितना मोमेंट जनरेट होगा? 6EI del y L star. अच्छा ठीक है, आपको मुझे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बताना है जनरलाइज्ड। तो हम स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में लिखते हैं इक्वेशन, लिखते हैं ना, क्या इक्वेशन? यस सर, जनरल वैल्यू बताओ उसकी। क्या एम ए बी इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस टू ई आई बाई एल इन टू टू थीटा ऑफ नियर इन प्लस थीटा ऑफ फॉर इन माइनस थ्री डेल बाई एल। डेल क्या है इसमें? लेंथ ऑफ
एल नहीं पूछ रहा हूँ, डेल क्या, डेल थ्री डेल बाई एल कह रहे हो ना? यस सर, डेल मीन्स सर एट दस पॉइंट दिस बीम इज सिंक बाई डेल डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्ट सिंक मीन्स कौन सा सपोर्ट सिंक कर रहा है, नियर सपोर्ट सिंक कर रहा है, फर्स्ट सपोर्ट सिंक कर रहा है? फर्स्ट सपोर्ट सर। अच्छा सपोज मेरे पास एक बीम है जिसमें जो लेफ्ट एंड है सपोज दैट ए एंड जो है वो सिंक करता है 10 mm से। यस सर। और जो बी सपोर्ट है वो सिंक करता है 20 mm से। यस सर। तो डेल की वैल्यू कितनी होगी? I am not clear idea sir, but 10 mm. Clear idea और किसे चाहिए था, मतलब 10 mm कैसे निकाला आपने? So we compare with both in the so deflection this in the deflect 10 mm more so I. हाँ तो वही है relative deflection निकालने के लिए कि दोनों के level में कितना difference है, बस वही yes, है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा कॉन्जुगेट बीम मेथड पता है आपको? यस सर। कॉन्जुगेट बीम बना लेते हो? यस सर। रियल बीम से कॉन्जुगेट बीम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर बता सकते हो? यस सर, वी कन्वर्ट फ्रॉम रियल बीम टू कॉन्जुगेट बीम विथ फर्स्ट फाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस बीम and after bending moment diagram we find m by ei diagram. Achha. And after we m ei diagram we change many support as like if fix in the limb fix if any fix in the convert into 3 inch and if a roller in intermediate in converted into hinge and the hinge in the converting the roller and this conversion after m by ei diagram then we convert into conjugate beam diagram. Share for sir. मतलब आप कह रहे हो आपने बीम लिया उसके सपोर्ट्स को आपने कन्वर्ट कर दिया तो m upon ei diagram का क्या किया, वो कहां यूज आया? सर सर वो m by ei diagram as like a load in the conjugate beam. अच्छा तो अब ये जो आप कह रहे हो कि आपने रोलर को हिंज बना दिया और पता नहीं इंटरनल हिंज को आपने बोला कि हम कन्वर्ट करते हैं, इज देयर एनी स्पेसिफिक रूल्स दैट वी फॉलो, कैसे आपने बोला कि इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे? Yes, कैसे पता लगता है कोई सपोर्ट किस में कन्वर्ट होगा? यस सर, इन द दिस बाय दिस थ्योरम deflection slope at any in the equal to shear force in the conjugate beam. Okay. Means the and bending moment any conjugate beam equal to deflection in the real beam. Mm. So we saw in the three simply supported beam. Deflection is zero means in the real beam deflection is zero means bending moment zero means we simply board supported beam is converted into simply supported beam. Do dekho samajh gaye, simply supported beam mein pehli baar to deflection zero nahi hoti, simply supported beam mein deflection zero hoti. First question kya pucha maine aapko, simply supported beam पे UDL लगाएंगे तो what will be the maximum deflection? Simply supported beam में deflection हो तो रही, center में आ तो रही deflection. Yes sir. फिर zero deflection कैसे कह रहे हैं? Sir वो end पर बोल रहा है, end पर deflection zero. अच्छा तो simply support simple support बोल रहा है, simply supported beam बोल रहा है. Yes sir, simple support. उस support पे deflection zero है. Yes sir. ठीक है, तो अब उसको replace करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, फिर तुम क्या करना पड़ेगा?
So we cross check that in the conjugate beam, that point deflection is zero, and in real beam, bending moment is zero. तो मान लो मेरे पास एक फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट किस में चेंज होगा? फिक्स सपोर्ट थ्री इंड में चेंज होगा। हाँ अब बताओ कैसे, जो आप दे रहे थे ना एक्सप्लेनेशन उसके बेसिस पर बताओ ये कैसे होगा, ये अगर आप बता दोगे तो मैं समझूंगा आपको पता है। सिंपली सपोर्टेड इसमें कंजुगेट बीम में सपोर्ट, नो एनी वैलिड एक्सप्लेनेशन। रीजन जो है वो यही है, आपने जो रीजन दिया ना, द रीजन दैट यू गिव की there is a relationship between slope and shear force and deflection of the real beam and the bending moment of the conjugate beam, wahi wo hai reason hai iska, uske basis pe batana hai kya hota hai fixed support pe, kya hota hai slope fixed support real beam mein hai na, to fixed support pe kya value hogi slope aur deflection ki? Zero hogi sir, zero hogi। To hame fixed support ko badalna hai ek aisi cheez se जहां पर स्लोप और बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। क्या वो चीज है जहां स्लोप और बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है? एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपसे कैंटिलीवर ड्रॉप। यस 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 सर, क्या चीज होती है वो? एट द फ्री एंड शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जीरो। फ्री एंड एक ऐसी चीज है जहां पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, तो देयरफॉर दैट फिक्स्ड एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय फ्री एंड। ओके ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम में आपको यही रिलेशन का इस्तेमाल करके सपोर्ट्स को चेंज करना। यस यस ओके, रैप अप करते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताना है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। मटेरियल भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो सकता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, काफी ज्यादा है, पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम, नेग्लिजिबल। अच्छा, स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोगों ने जो जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं, जो जो मेंबर्स पढ़े हैं, वो लिख सकते हो क्या, बता सकते हो कि कौन कौन से मेंबर्स पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में, किन को हम सॉल्व करते हैं? बीम है, कॉलम है, और बताओ जो हम पढ़ते हैं अपने सिविल इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़ते हैं? बीम पढ़ते हैं, कॉलम पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? बीम, कॉलम, स्लैब, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग। ये तो तुम आरसीसी वाले में बोल रहे हो ना, ये स्लैब और फुटिंग तो स्ट्रक्चर का पार्ट है। मैं तुमको स्ट्रक्चर बताओ कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर वो होता है जो खुद में लोड ले सकता है, फुटिंग तो एक पार्ट है जो लोड ट्रांसफर कर रहा है, बीम अकेला भी काम करता है, फुटिंग कॉलम अकेली भी काम करती है। तो वैसे बताओ कौन कौन से मेंबर, कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं? बीम हो गया, कॉलम हो गया, और क्या होता है जो हम लोड लेने के लिए काम कर सकते हैं? ट्रस पढ़े हो? यस सर। हाँ तो बोलो ना, ट्रस है, और भी तो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, बताओ और क्या क्या है स्ट्रक्चर एनालिसिस में, और क्या क्या टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है? ट्रस यूज करते हैं, केबल स्ट्रक्चर यूज करता है। केबल यूज करते हैं, केबल का क्या होता है प्रॉपर्टी? केबल एक फ्लेक्सिबल मेंबर होता है, इनमें कोल शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, कोएक्सियल फोर्स टेंसाइल फोर्स। तो कैसा जो केबल जो हम लोग डिजाइन करते हैं या जो केबल वो होती है उसकी, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जीरो एप्रोक्स होता है सर, टेंशन लोड बियर करता है। तो वही क्वेश्चन था, तो अगर तुमसे स्ट्रक्चर पूछेंगे देन यू कैन से केबल,
Yes, ठीक है, और अगर तुमसे मटेरियल पूछेंगे देन यू कैन से फाइबर, कॉटन फाइबर, नाइलॉन फाइबर, रोप, यू कैन से रस्सी भी जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बट उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं, तो ये हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो यही था लगभग फीडबैक दे देता हूँ। रत्नीश, पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, पीएचडी के लिए कब आपका इंटरव्यू, कुछ आपको डेट पता है? नहीं सर, अभी तो फॉर्म में अप्लाई हुआ है अभी। अच्छा ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका सेशन है क्या, आपने इससे पहले भी दिया? नो सर, फर्स्ट। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे मुझे ठीक लगे, आप काफी क्वेश्चंस आपने सही आंसर किए, थोड़ा बहुत वो है थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है चीजों को, वो एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लीजिए और रीजनिंग में थोड़ा सा जाइए, सिंस आपका थ्योरेटिकल वो है कॉन्सेप्ट, आपका पीएचडी के लिए आप जा रहे हो, आप पीएससी वगैरह के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपको आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, समझ होना बहुत जरूरी है, तो कॉन्जुगेट बीम कैसे ड्रॉ किया, कैसे सपोर्ट को चेंज किया, ये सब पता होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट पे निकालना आना चाहिए, ये फ्री एंड वाला तो आपने बोल दिया, दैट इज द इंट्यूशन के ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि मैथमेटिकली मुझे निकाल के बताओ, वो भी आपको तुरंत आना चाहिए। ऐसे केस में आपको क्या करना था कि आप बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट साइड से ड्रॉ करते उसका तो जीरो ही होना था, क्योंकि फिक्स एंड के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं था। यस सर, ठीक है, आप लेफ्ट साइड से ड्रॉ कर सकते थे, और अगर आपको राइट साइड से ड्रॉ करना था तो आपको रिएक्शन आने चाहिए थे निकालना, और रिएक्शन भी तुरंत निकालने चाहिए, क्योंकि अब आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर उसमें ही पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स आपने स्ट्रक्चर में, तो आपसे इतना वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको रिएक्शन निकालना जो है वो तुरंत आने चाहिए। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमेशा याद रखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार उसको प्रॉपर निकालने में टाइम लग जाता है, एंड इंटरव्यू जो इंटरव्यू के केसेस में टाइम लिमिटेड होता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, बेंडिंग मूवमेंट के स्टैंडर्ड रिजल्ट, की कैंटिलीवर में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना है, शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना है, जो भी है, डिफ्लेक्शन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये सब आप पढ़ के, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि यूनिट क्या होगा ऑर्डिनेट का, हेलो, यस यस सर, अच्छा आ रही है बस, तो उसका जो यूनिट है ऑर्डिनेट का वो मीटर है, लेंथ वाला यूनिट जो आपको फॉर्मूले से भी पता लग रहा था, यस सर। अच्छा मुझे ये बता सकते हैं आईएलटी का मतलब क्या होता है? आईएलडी से आईएलडी द इस डायग्राम, इट इज अ ग्राफिकल डायग्राम व्हिच शो द वेरिएशन ऑफ अ स्ट्रेस फंक्शन एज लाइक शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, रिएक्शन फॉर द मूविंग पॉइंट लोड फ्रॉम ऑल सेक्शन। मतलब अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, आई हैव सिंपली सपोर्टेड बीम एंड देयर इज अ सेक्शन, सेक्शन सी, लेट्स से देयर इज अ पॉइंट सी, सो देन व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन द आईएलडी फॉर शेयर फोर्स एट पॉइंट सी? क्या मतलब है आईएलडी फॉर शेयर फोर्स पॉइंट एट पॉइंट सी का, वो डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आईएलडी बनाऊंगा मैं शेयर फोर्स एट सी पॉइंट के लिए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ILD of shear force at point C, it showed that shear force at point C due to moving any load on the beam. अच्छा, तो मान लो ये एक ILD तो मैं draw कर रहा हूँ, ये ILD बना, suppose ये ऐसे करके ILD बना कुछ, ठीक है, imagine कर लो, मैं तो यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, ऐसा कुछ आई एल डी बनेगा सिंपली सपोर्टेड बीम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा बी है और ये सी पे मैं बना रहा था, ठीक है, ये आई एल डी बन गया, अब ए पे ऑर्डिनेट जीरो आया इसका, यस सर, सब ए पे भी ऑर्डिनेट जीरो है, बी पे भी ऑर्डिनेट जीरो, ए पे ऑर्डिनेट जीरो होने का क्या मतलब है? ये आई एल डी है शेयर फोर्स एट सी के लिए, ए पे ऑर्डिनेट जीरो का क्या मतलब है? ए पे ऑर्डिनेट जीरो मींस लोड इज not load on the point A. No, no, reaction, or reaction के केस में होता है सर, शेयर फोर्स,
सी सेक्शन के शेयर फोर्स का आईएलडी बनाया मैंने, और ऑर्डिनेट ए पॉइंट पे जीरो है, बी पॉइंट पे भी जीरो है. इस बात का मतलब पता है आपको क्या है? क्योंकि डेफिनेशन आप ठीक दे रहे हो, आईएलडी की डेफिनेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो आप बता दे रहे हो जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है टी टाई, लेकिन वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ए पे ऑर्डिनेट जीरो है, बी पे ऑर्डिनेट जीरो है, वो क्या मतलब है, क्या चीज है, कैसे जीरो आया ऑर्डिनेट वहां पर, या कैसे क्या सिंबलाइज क्या कर रहा है उस चीज को, वो बता सकते हो? छुपा उसी में ही है, जो आपने आंसर दिया इंग्लिश में जो बोला स्ट्रेस फंक्शन और ये सब को, छुपा उसी के अंदर ही है. लेकिन आप क्या मुझे सिंपल भाषा में बता सकते हो कि क्या मतलब इस बात का? So that sir, if unit man, any point load at point A, then no any shear force come at this point. At point C, yes. ये answer. Yes sir. ये मतलब इस बात का कि अगर मेरा unit load जो है वो travel कर रहा है A to B, तब different points पे जब वो पहुंचता है तो C पर क्या शेयर फोर्स की वैल्यू आती है, और A पॉइंट पे अगर ऑर्डिनेट जीरो है, इसका मतलब है कि जब वो यूनिट लोड A पॉइंट पे था तब एट द पॉइंट C देयर वाज नो शेयर फोर्स, देयर वाज जीरो शेयर फोर्स. सेम हैपेंस जब वो पॉइंट लोड B पे पहुंच जाएगा, तो इंटरमीडिएट वो किसी भी पॉइंट पर होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी शेयर फोर्स की, कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी, और वो चीज जो है वो आईएलडी रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट वाली बातें है ना, जो कॉन्सेप्ट पक्के करने वाली बातें हैं, इस पे फोकस करो. क्योंकि अगर आप पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो वहां वो ऐसी चीजें पूछेंगे रादर देन वो और चीजों में नहीं जाएंगे, वो आपका देखेंगे कॉन्सेप्ट कितने पक्के हैं. ठीक है, इस पे और आप रिवाइज करो इसको बेटर तरह से. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, और दोबारा अगर आपको स्नैप लेना होगा तो आप दोबारा से कॉन्टेक्ट करिएगा. ठीक है, ओके रखें.